ओम साई किचन स्किल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मूली का सादा अचार कैसे बनाया जाता है बिना तेल मसाले के, ये बताने जा रही हूँ। जिसकी आवश्यक सामग्री एक बार आप देख लीजिए। ये मूली लिया हमने, मूली को धो के रख लिया। ये हरी मिर्च लिए, अदरक लिया और नींबू लिया, और इसमें सिर्फ ये नमक का यूज़ करेंगे और कुछ भी नहीं। ये अचार झटपट बनता है और ज़्यादा दिन नहीं, लेकिन आप हाँ 2 दिन 3 दिन इसको डेली बनाएं, डेली खाएं तब भी चलता है। ये एक बार अगर डालते आज डाला तो आप 2 दिन तक इसको यूज़ कर सकते हैं। ये डेली सुबह डाला, शाम तक दूसरे दिन सुबह तक खाए, फिर डाल लिए, ऐसे चलता है ये अचार और काफ़ी स्वादिष्ट बनता है। ये हो गया, अब इसको हम बनाने का चालू करते हैं। बनाने की प्रक्रिया ये हुआ, ये जो मूली है इसमें ये रेसे रेसे रहते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम छील लेते हैं ताकि मूली हमारी, इसको धो के हमने पहले से रखा है और आपको मालूम होगा कि मूली हमारे लीवर के लिए फ़ायदेमंद होती है और अभी ये जाड़े के मौसम में अच्छी मिलती भी है। ये हमने ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी मूली को ताकि उसका रेसा उससे निकल जाए कर लिए। ये देखिए हो गया, ये मूली को हमने अब अच्छी तरह से छील लिया। अब ये मूली को हम ऐसे गोल गोल इतने मोटे मोटे टुकड़े में ऐसे ऐसे काट के रखते जाएंगे। में हम अदरक मिला रहे हैं, अदरक भी जाड़े में सेहत के लिए अच्छा होता है, उस पाचन भी अदरक खाने से भी पाचक क्रिया हमारी अच्छी रहती है, दुरुस्त रहती है, खाना जल्दी पचता है। अक्सर डॉक्टरों का कहना है कि हार्ट के पेशेंट हो या गैस्ट्रिक जिसको ट्रबल हो, वो लोग हर खाने में सब्जी में सब में अदरक का यूज करें। फिर मूली थोड़ी सी हार्ड है, कोई बात नहीं, ये भी गल जाएगी अचार में। कोई कोई मूली होती है थोड़ी हार्ड, ले लो ऐसे। हमने ये मूली काट ली। अब ये हरी मिर्च है, ये हरी मिर्च की डंडी निकाल देंगे हम ऐसे। आपको जितना डालना है हरी मिर्च, कोई ज्यादा खाने वाला हो तो ज्यादा डाल दें, जितना खपत हो उस हिसाब से इसमें आप यूज कर सकते हैं। हमने डंडी तोड़ दी सारी हरी मिर्च की और इसे फिर हम हरी मिर्च को ये 2 भाग में ऐसे थोड़ा थोड़ा सा, ये देखिए ऐसे कट कर देंगे ताकि इसमें जो नींबू का रस डालें और नमक डालें ये आसानी से इसमें चला जाए। ये थोड़े थोड़े सा मिर्ची में कट डालना है। इस अचार को भी खाली धूप की जरूरत है, वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा धूप नहीं, धूप जहाँ पे है आप वर्किंग है, ऑफिस चले गए आपने, सवेरे इसको काट के डाला, आप घर में अंदर भी छोड़ दीजिए और शाम को आप आए इन अचार खाने के लिए तैयार रहे। ये देखिए हरी मिर्च हमने डाल दी ऐसे काट के, अभी अदरक है, अदरक को भी हमने धो के अच्छे से रखा है। इसको हल्का सा जो इसका ऊपर का छिलका है ना, इसको थोड़ा सा ये कर देंगे क्योंकि ये फिर फंसता है नहीं गले में जाके, इसलिए इसको ये देखिए ऐसे हमने अदरक को भी थोड़ा सा ऐसे छिलका निकाल दिया। ये सब अचार जब इसका सीजन हो उसी समय खाने में मजा आता है, और जाड़े में वैसे भी इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं हमें खाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। वैसे तो आजकल 12 महीने सारी सब्जियां मिलने लगी हैं, लेकिन अभी जो सीजन में जो स्वाद आता है वो ऑफ सीजन में नहीं रहता।
ये हो गया हमारा अदरक। अब इसको देखिए हम अदरक को कैसे काटेंगे। अच्छे से अदरक का जहाँ दिखे आपको कि गंदा दिख रहा है अदरक, वैसे तो हमने धो के ही रख लिया है इसको, ये सब कर लिया। देखिए अदरक एकदम साफ हो चुकी है हमारी। अब ये इसको हम लंबे लंबे इसमें, ये हमने अदरक काट, ताकि जब ये आप निकालें खाने के लिए तो आपको खाते बने अच्छे से निकालते बने जार में से। जो छोटा है टुकड़ा उसका छोटा होगा, ऐसे लंबे लंबे साइज में ये हमने ये हमारा अचार बनने के लिए कट के तैयार है। अब इसे हम, ये जार लिया हमने प्लास्टिक का, जो भी हो आपको वो ले सकते हैं। इसमें हम इस जो कटिंग किया अचार का इसको डाल दिए। देखिए देखने में कितना सफ़ेद हरा पीला सब कितना सुंदर अचार दिख रहा है। अब इसे हम, ये हो गया। अब इस अचार में कुछ नहीं करना है, सिर्फ नींबू, ये नींबू, ये हमने नमक लिया और ये नींबू, नींबू को पहले हम कट करके इसका बीज निकाल देते हैं। हो गया, इसका बीज अगर जाएगा तो थोड़ा कड़वापन आता है नींबू का बीज, इसलिए इसके बीज को निकाल दें। इस नींबू के रस को हम इसमें अच्छे से दबा के, देखिए अच्छे से नींबू को इसका रस निकाल लीजिए। और में हमने इतने अचार में तीन चार मूली ली थी और मिर्ची, मिर्च अदरक अपने हिसाब से आपको जितनी खपत है, ये हमने रस निकाल लिया। और इसमें ये नमक, इसमें हम ये 2 चम्मच नमक डाल देंगे बस। अब हमारा अचार और नमक डाल के इसको अच्छे से ऐसे हिलाइए ताकि नींबू का रस और नमक सब मूली मिर्ची और अदरक में अच्छे से मिल जाए। और इसे धूप में रखिए, नहीं धूप हो तभी कोई बात नहीं, आप कमरे में कहीं भी रख लीजिए कुछ खाने के समय। 1-2 घंटे 3 घंटे में ये अचार तैयार हो जाता है खाने के। ये देखिए आपको मैं दिखाना चाहती, देखिए नमक कैसे मिक्स हो गया, ये देखिए इसकी मिर्च भी अदरक भी इतनी स्वादिष्ट लगती है जब इसमें नींबू और नमक पूरा मिल जाता अच्छे से, बहुत स्वादिष्ट लगती है इसकी मिर्ची अदरक। ये आपका अचार बनके तैयार। उम्मीद करती हूँ आप भी इस आसान विधि से अचार बनाना पसंद करें, जरूर बनाइए, अभी सीजन है। इस अचार को एक बार आप जरूर ट्राई करिए, उसके बाद देखिए कितना टेस्टी अचार है, बिना तेल मसाला किसी चीज के। इस बस यही है कि इसको बहुत लंबा टाइम नहीं रख सकते, अब 2 दिन आराम से खाओ फिर नेक्स्ट डे डालो, फिर ऐसे 2 दिन तक चला सकते हैं। धूप है ठीक है, नहीं धूप है तो कोई बात नहीं। अगर आपको ये मेरा अचार बनाने की विधि पसंद आई तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।